दिन नमस्कार राजगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वक्त स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप अनुराधा कुबेर जी को देख रहे हैं इस देश के युवा कलाकार कह लें या ये कह लें कि ऐसे कलाकार जो अगली पीढ़ी के कलाकारों में एक सशक्त पहचान बना चुके हैं उसमें उनका नाम आता है बहुत पक्की साधिका है सुरों की उनसे बातचीत करेंगे उनके संगीत सफर को समझेंगे उनके गुरुओं पर भी बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले जो परंपरा है कि मेहमान का स्वागत किया जाता है तो बहुत विनम्रता से आपका स्वागत कर रहे हैं राधा जी नमस्ते, नमस्ते आप जो आप बहुत बेसिक सा एक सवाल है जिससे हम इंटरव्यू शुरू करते हैं और बहुत ही पारंपरिक सवाल भी है लेकिन उस इंटरव्यू उस सवाल से ही दरअसल कहानी शुरू होती है सफर शुरू होता है तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपका संगीत सफर शुरू कैसे हुआ अह पहले तो अह आपका बहुत धन्यवाद कि इस मंच पे अभी मैं मंच ही कहूँगी आपने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए तो मेरा संगीत का सफर ऐसे शुरू हुआ कि घर में ऐसे कोई संगीत की परंपरा तो थी नहीं मगर मेरी माँ को गाने का शौक था मेरे मेटर्नल ग्रैंडफादर मतलब माँ के पिताजी उनको भी गाने का शौक था और उन्होंने शायद मुझमें कुछ देखा होगा कि मैं गाना कर सकती हूँ तो फिर उन्होंने बहुत प्रयास के साथ गुरु ढूंढे मेरे लिए और इस तरह से मेरा एकदम बेसिक से सफर मेरा शुरू हुआ और ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल सवाल है जो अब आपको बहुत मेरा ख्याल है इस इस सवाल के मायने भी समझ में आएंगे ये जो परंपरागत घरानों की जो में जो लोग बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए गुरु खोजना और एक ऐसे बच्चे के लिए गुरु खोजना जिसके परिवार में सुनकार तो है लेकिन ऐसा कोई बड़ा कलाकार नहीं है या ऐसा कोई लेगेसी नहीं है गुरु के ढूंढने में कोई मुश्किलात आई <laughs> बहुत बहुत आई और वो मुश्किल मुझे नहीं आई क्योंकि मैं तो छोटी थी लेकिन माँ को बहुत ही बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई ऐसा कहते हैं ना कि गुरु मिलना ये एक भाग्य की बात होती है और उसका समय भी आना पड़ता है तो उससे पहले माँ ने बहुत पुणे में बहुत जो बुजुर्ग गुरुजन थे उनको जाके विनती की उनसे पूछा एक दो लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग कर सकते हैं शुरू और शुरू करने के दिन उन्होंने ना बोल दिया तो बहुत ही मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ दिग्गज कलाकारों से बहुत बुरी तरह से आ, मेरी माँ को अनुभव आए मैं तो इतनी छोटी थी कि मैं मतलब ये कुछ नहीं था लेकिन पंडित टी डी जानोरिकर जी ने आ, फिर हाँ बोल दिया आ, और उनसे आ, शुरू हो गई तालीम तो ये, ये मुझे एक जस्ट शेयर करना है कि आ, मतलब अगर कोई भी अभी अभी का अभी का तो समय अलग है खैर लेकिन अगर सिखाना हो तो ही हाँ करे नहीं सिखाना हो तो पहले से ही क्लियरली कह देना चाहिए कि नहीं होगा पॉसिबल कोई सवाल नहीं पूछता कि क्यों नहीं आप ले रहे हैं तो इस तरह से मतलब जो लोग इतनी आ, आ, क्या बोलूँ मैं लगन से आते हैं आपके पास तो उन्हें ऐसा अपमानित करना ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है लेकिन ये अनुभव आए हमारे पूना में काफी लोगों के साथ बहुत अच्छी बात क्या राधा जी कहना चाहिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है है क्योंकि संगीत कोई अगर सीखना चाहता है, और मैं आ, खुद इस परेशानी से दो चार हो चुका हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि इस इस पर बात होनी चाहिए इस पर एक बड़ा विमर्श होना चाहिए संगीत की दुनिया में कि क्या संगीत सीखने का अधिकार सिर्फ उन आ, कलाकारों को है या उन कलाकारों के बच्चों को है जो बहुत ही सालों साल से सीखते आ रहे हैं या संगीत करते आ रहे हैं और अगर ऐसा है तो फिर इस इस कला का विस्तार कैसे होगा बहुत बड़ा विषय है ये पर हम लोग कभी थी? बात करेंगे मैं आ, मेरी कोई थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कथक के गुरु की तलाश में था आज से करीब आठ नौ साल पहले और अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी मुझे उसके लिए सच में ये बताइए कि आप बहुत सुरीला गाती हैं बहुत मीठा गाती हैं तो हम लोग जानते हैं और आप बचपन में कुछ शैतानियां बतानियां भी करती थी आप या बिल्कुल ऐसे ही भोली भाली एकदम अच्छी सी बच्ची की तरह आपका कौन कैसा था कलाकार कलाकार की तरह एक्चुअली मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि मैं ऐसे चाइल्ड प्रोडिजी थ्री थी मैं कभी नहीं कहूँगी ऐसे मैंने जो आ, हासिल किया मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी लेकिन जो आ, मुझे गुरुओं की कृपा से मिला है वो एक मतलब मेरे मेहनत से उनकी उनकी सीख से ही ऐसा हो मिला है और टैलेंट तो था ही कुछ नहीं तो कुछ नहीं होता तो <laughs> खैर मैं थोड़ी आर्टिस्ट जो अभी हूँ जितनी उतनी नहीं बन पाती लेकिन वो टैलेंट को मैंने आ, मैंने और मेरे गुरुओं ने मेरी, मेरी माँ ने बहुत सींचा और आ, मैं ज़्यादा रियाज़ वगैरह नहीं करती थी बचपन में मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या रियाज करूँ तो उस तरह से मैं थोड़ी सी हठीली भी थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि माँ कहती थी रियाज करो रियाज करो लेकिन क्या रियाज यह समझ में नहीं आता था तो इसलिए जिनका नाम लिया बहुत सम्मान से और टीडी डी जी जो आपके जिन्होंने हामी भरी और फिर आपको एक लंबे समय तक संगीत की तालीम दी और कहा जा सकता है कि आपके अंदर के कलाकार को उन्होंने गढ़ा उनकी उनकी जो शिक्षा थी उनकी शिक्षा के बारे में भी हमको बताइए और एक कलाकार के तौर पर भी हमको बताइए कि वो उन्होंने किस तरह से आपको तालीम दी जी तो आ, मैं अभी जानुरिकर जी का ही बताऊं या फिर आगे चल के अरविंद दादा का भी बताऊं नहीं पहले अभी जानुरिकर जी से बात करते हैं फिर दूसरे उसमें उन पर जाएंगे ठीक ठीक तो मैं जब जानुरिकर जी के पास गई तो एक एक्चुअली हमारे में एज डिफरेंस इतना था मैं दस साल की थी एंड ही वाज़ सिक्सटी प्लस सो एक तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एज डिफरेंस था तो उससे वजह से ऐसे नहीं कि हमारी तालीम बहुत मतलब बहुत देर तक नहीं चलती थी क्लासेस छोटे 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 ही होते थे हमारे क्योंकि अभी साठ साल के मतलब गुरु जो होते उनको इतना पेशेंस नहीं होता ना कि इतने छोटे बच्चे को थोड़े से उसकी मर्जी से सिखाए तो वो उन्होंने जितना पहले पहले छोटी छोटी क्लासेस होती थी लेकिन बाद में उन्होंने जैसे मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा मेरा रियाज बढ़ा तो फिर उनका सिखाना और डेप्थ हो गया उन्होंने घराने की तो तालीम दी ही लेकिन पहले उनकी पद्धति ये थी कि जब राग आ, राग सिखाते थे ना तो जो आज मुझे बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण लगता है कि वो राग का जो विस्तार होता था ना पहले ताल विरहित विस्तार तो वो हमेशा सरगम में करते थे और मुझे आकार में करने के लिए बोलते थे उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कुछ अलग सा करने से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरा नोटेशन अच्छा हो गया उससे मतलब सुरों की समझ सुरों के स्थानों की समझ जो थी वो बहुत अच्छी हो गई आ, उनके उस तरह के सिखाने से अभी वो वो पर्पजली सिखाते थे या आ, इन द सेंस की पर्पजली वो आ, ऐसा सरगम में आ, सिखा के मुझे आकार में गाने के लिए बोलते थे या उनकी वही पद्धति थी ये मुझे नहीं मालूम लेकिन जो भी था उस उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस तरह से कि मैं आ, मुझे नोटेशन एकदम क्लियरली समझ में आने लगा फिर नोटेशन का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि नोटेशन समझना ये हमारे संगीत के लिए बहुत ही बहुत अहम बात है और आ, वो बंदिशे बहुत बार आ, दोहराते थे दोहराते थे मतलब मुझे दोहराने के लिए कहते थे एक बंदिश कितनी कितनी बार हम लोग वो गवाए गवाते थे मुझसे और शायद मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी तब से उन्होंने मुझे ख्याल सिखाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अब मैं लिख के कुछ नहीं दूंगा अब इसके आगे तुम्हें करना है मतलब आलाप तान वान जो भी है वो उन्होंने उसके बाद नाइन्थ स्टैंडर्ड के बाद मुझे कभी भी कुछ भी लिख के नहीं दिया सिर्फ बंदिश लिखते थे राग का जो भी है वो लेकिन आ, ऐसा कुछ ये नहीं होता था इसलिए फिर कैसे होता है ना कि कुछ होता नहीं है लिखा हुआ हाथ में तो अपने आप ही हाथ पैर मार के मार के फिर कैसे करते हैं ये कैसे करते हैं थोड़ा सुन के फिर अपना एक उसके बारे में एक विचार बना के उससे थोड़ा इंडिपेंडेंस uh, भी जल्दी आ जाता है और ऑप्शन ही नहीं होता ना कुछ कि लिखा हुआ है ही नहीं लिखा हुआ देते नहीं और मांगने की मांगने की हिम्मत तो है नहीं तो फिर क्या करे तो अपने आप ही हाथ पैर मार के ख्याल का विस्तार कैसे करे फिर आगे बोल कैसे करे फिर उनका सुन सुन के ऐसे अ uh, ये हुआ और फिर घराने की गायकी भी उन्होंने बहुत uh, बहुत ही तन्मयता से और बहुत मन से सिखाई मुझे और बहुत ही मतलब उनका मेरी मेरे सांगीतिक जीवन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गुरु तो थे ही वो मेरे लेकिन वो बहुत उन्होंने प्यार भी दिया मुझे और वो दिल से चाहते थे कि मैं संगीत के दुनिया में कुछ हासिल करूं ऐसे चलिए उस पर हम और आगे बात करेंगे लेकिन चूंकि आप घराने की गायकी का जिक्र कर रही हैं बार बार और निश्चित तौर पर आ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि आ, आप भिंडी बाजार घराने की गायकी की परंपरा से जुड़ी हुई हैं और ये आ, घराना यानि उस्ताद अमानत अली खान साहब से लेकर और फिर अंजनी मालपेकर जी की बात कर ले बसंतराव देश जी की बात कर लें इतने बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों का यहाँ तक कि रोचक जानकारी ये भी है कि लता जी ने भी जो तालीम ली वो इस घराने की तालीम में लता जी भी का नाम भी आता है वैसे तो बहुत ही बड़ा विषय है अनुराधा जी मतलब इस पर तो आप शायद मुझे लगता है कई घंटे बता सकती हैं लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत आप बता पाए भेंडी बाजार घराने की खासियत के बारे में इस घराने की गायकी के बारे में या आ, क्या बंदिशों को लेकर कुछ अलग किस्म का व्यवहार रहता है इस घराने में क्या कुछ अलग है कुछ थोड़ी बहुत जो बेसिक बातें आप बता पाए तो आ, थोड़ा हाईलाइट ही बताती हूँ तो एक तो नाम उसका थोड़ा लोगों को अजीब लगता है कि भिंडी बाजार क्या है तो भिंडी बाजार एक्चुअली मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के पीछे एक एरिया है जहाँ पे आ, उन्नीसवी शताब्दी 19वीं शताब्दी ना नाइनटीन अर्ली नहीं ट्वेंटी सेंचुरी नहीं हाँ अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी और लेट uh, एकदम लेट नाइनटीन सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी उस एरिया में बहुत से बड़े बड़े कलाकार गवैये बजवै रहते थे तो वो आज थोड़ा सा अजीब सा एरिया है लेकिन उस वक्त वो एकदम uh, कलाकारों का uh, निवास स्थान जैसे था और वो बिहाइंड बाजार कौन सा क्रॉफर्ड मार्केट उसके पीछे की गलियां थी वो तो इससे इसलिए ब्रिटिश लोग उसको बिहाइंड द बाजार कहते थे जिसका अपभ्रंश होके भिंडी बाजार हो गया ये तो थोड़ी सी ऐसी फनी जैसी एक उसके नाम के पीछे की कहानी है तो हमारे पास मतलब जानवरिकर गुरुजी के पास से हमें भिंडी बाजार की जो गायकी मिली तो वो उस्ताद अमान अली खां साहब और अंजनी बाई मालपेकर इन दोनों से जो गायकी हम तक पहुंची मतलब हम जितना उसे ले सके वो है वो अमान अली खां साहब ने बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों की रचना की तो वही बंदिशे जो उन्होंने जानवरीकर जी को दी वो हम तक आई है अभी ऐसा भी हुआ है कि अमान अली खान साहब ने उनके और जो शागिर्द थे मतलब रमेश नाड़कर्णी जी थे शिव कुमार शुक्ला जी थे उनको भी बंदिशें सिखाई शायद वही बंदिशें भी सिखाई लेकिन वो प्रतिभावान कलाकार होने के कारण थोड़ी 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 पाठभेद उन्होंने अ जानबूझ कर ही किए होंगे बंदिशों में तो जो हम तक बंदिशों की परंपरा आई है तो वो जो अमान अली खां साहब ने जानवरकर जी को सिखाई वो बंदिशें हम तक आई है अंजनी बाई ने अनफॉर्चुनेटली उन्हें जो उस्ताद नज़ीर खां साहब जी से बंदिशें मिली थी वो नहीं दी जानवरिकर गुरु जी को तो वो तो परंपरा पूरी तरह से हमारे लिए तो लुप्त हो गई है अभी भारतवर्ष में कोई हो जिनको ये बंदिशे मालूम हो तो हमें तो नहीं मालूम बंदिशे जो अमान अली साहब की थी वो है वो बहुत थोड़ी सी अलग हटके है मतलब उनकी संस्कृत प्रचुर भाषा है ब्रज भाषा भी है एक उसका अलग तरह से मिश्रण है और उनकी बंदिशों की जो शब्द रचना है वो भी थोड़ी सी हटके है मतलब ऐसे पूरा शायद वाक्य नहीं मिलेगा आधा आधा मिलेगा जिससे हमको उसका भावार्थ निकाल सकते हैं और विषय बहुत अलग है देवी देवताओं पर बंदिश की है फिर हिंदू फिलॉसफी पे बंदिश की है मुस्लिम फिलॉसफी पे बंदिशें है श्रृंगार की कोई बंदिशें है स्त्री सौंदर्य वर्णन करने की वर्णन करने वाली कोई बंदिश है ऐसे अलग अलग विषय है लेकिन वो श्रृंगार रस की वैसे कम है और जो है वो उसमें जो श्रृंगार दिखाई देता है हमें वो बहुत सटल किस्म का श्रृंगार है तो और उनकी लय भी मध्य लय थी हमान अली साहब की अंजनी बाई विलंबित में गाती थी लेकिन अः अमान अली साहब मध्य लय में गाते थे तो मध्य एक ताल मध्य रूपक और मध्य द्रुत तीन ताल ये थोड़े से अलग लय में उन्होंने काफी सॉरी बदिशों की रचना की है तो ये एक है आ, सरगम करते हैं इस घराने में आ, थोड़ी कर्नाटक संगीत से आ, प्रभावित हुई सरगम है इस घराने में और मेरुखंड की तालीम मिलती है मेरुखंड का रियाज होता है और मेरुखंड का एप्लीकेशन गाने में होता है अब ये मेरुखंड या में ये तो सभी लोग यूज़ करते ही है क्योंकि फाइनली परमिटेशन कॉम्बिनेशन है सुरों का लेकिन हमारे घराने में उसका ख़ास रियाज करवाते हैं खास रियाज करवाते हैं और फिर वो उसका आ, मतलब इस्तेमाल भी विस्तार में आ, राग विस्तार में होता है तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं घराने के बारे में अच्छा, और मींड है खटके मींड है और कण स्वर का बहुत आ, आ, कैसे बोलूं कॉन्शियसली उपयोग करते हैं अच्छा ये आ, ये कैसे तय हुआ अनुराधा जी जब आ, मतलब दो तीन चीजें आपस में जुड़ती हैं एक तो ये कि परिवार में ऐसा कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है फिर शुरू में सीखने में भी अड़चने आई लेकिन एक बार जब सफर शुरू हुआ सीखने सिखाने का परंपरागत तालीम लेने का फिर वो कैसे तय हुआ कि म्यूजिक को करियर बनाना है या म्यूजिक को ही आ, चुनना है अपने जीवन के एक आ, प्रोफेशन के तौर पर वो एक्चुअली बहुत तो ऐसे सजगता से चॉइस किया था कि ये करना है मैं ये कर सकती हूँ तो यही इसी को आगे लेके जाएंगे फिर मैं जनवरी कर गुरुजी एक डेढ़ पौने दो साल कलकत्ता के संगीत रिसर्च एकेडमी में बतौर गुरु गए थे तो तब मैं आ, मैं थी कुछ अठारह साल की तब मैं भी आ, उनके साथ गई थी कि मैं मेरी तालीम रुके ना इसलिए मतलब तब मुझे स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं थी एस आर की लेकिन वहाँ पे जो मैं रही ना तो उससे भी बहुत आ, एकदम आ, जैसे आंख खोल देने वाली चीज थी वो वहां का मेरा वास्तव्य इतने कलाकार थे और पूरा संगीतमय वातावरण होता था वहां पे सुन सकती थी काफी और जो पुना में नॉन म्यूजिकल फैमिली में रह के वो सब चीजें नहीं मिलती जो मुझे वहां मिली तो उससे भी ये हो गया कि नहीं ये पॉसिबल है मुझे करना आगे म्यूजिक उसे वो कलकत्ता की स्टेज से मुझे बहुत फायदा हुआ बहुत बहुत ही फायदा हुआ मतलब इनडायरेक्टली जो म्यूजिकल एनवायरनमेंट में रह के जो फायदे होते हैं ना वो भी हुए डायरेक्टली भी बहुत लोगों का गाना सुनने को मिला और एक जो संगीत का व्यवहार मतलब क्या होता है ये चीज मुझे बहुत वहाँ पे पता चली और फिर आ... 2007 के आसपास आपको अपने अगले गुरु कहले या कहले कि एक तरीके से मार्गदर्शक मिले डॉक्टर अरविंद वो उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई वो कैसे सिलसिला बना जी. उनके पास कैसे पहुंची वो कैसे तैयार हुए कुछ कहानियां इसकी भी बताइए जी जी अरविंद दादा डॉक्टर अरविंद थत्ती मतलब जानवरिकर गुरु जी का तो बहुत उपकार है उन्होंने बहुत मुझे प्यार से सिखाया अरविंद दादा ने जो सिखाया जो अभी तक सिखा रहे हैं उनका तो मैं मतलब मैं बोलने लगूंगी तो मैं सच में रुक नहीं पाऊंगी अरविंद दादा पहले मैं आपका जरूरत क्यों महसूस हुई है आपने बोला तो एक्चुअली एकदम प्रैक्टिकली मैं अगर बोलूँ तो जानवरिकर गुरु जी मतलब गुरु ज़्यादा थे मतलब परफॉर्मर इतने ज़्यादा वो उन्होंने इतना वो परफॉर्म इतना ज़्यादा नहीं करते थे उनकी उसकी आ, मतलब कारण अनेक थे लेकिन वो नहीं करते थे और मुझे परफॉर्मेंस का गाना सीखने की बहुत ज़रूरत महसूस हुई थी तब बहुत ही जरूरत थी इसलिए मैं जरा सोच रही थी बहुत कि मैं क्या करूं किसके पास जाऊं तो ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि अरविंद दादा को किसी मतलब वोकलिस्ट को सिखाने की इच्छा है ऐसे तो फिर मैं उनके पास पहुंची मैं पहचानती थी उनको मतलब वो मुझे पहचानते थे ऐसे बोल सकती हूँ मैं उनको क्या तो आ, पहले उन्होंने मुझे कहा कि जानुरिकर जी तो आ, मतलब उनको बुरा लगे आ, मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए कि तुम आ रही हो वगैरे वगैरह लेकिन फाइनली पूरा हानि नहीं, हा नहीं होके फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और पूरे मतलब मेरी म्यूजिकल लाइफ ही उन्होंने बदल दी एकदम अलग विजन दिया उन्होंने मुझे संगीत म्यूज़िक के ओर देखने की एक अलग दृष्टि दी कम्प्लीटली मेरी आवाज़ को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अलग तरह से मतलब वॉइस वो, वो, कल्चर सॉर्ट sort ऑफ of, आप बोल सकते हो आवाज को ट्रेन किया उन्होंने उन्होंने ओ, ओ, ओ. हाँ बंदि पूरे सुरों की बारी किया लय की बारी किया बंदिश की बारी किया बंदिश के विस्तार की बारी किया और आवाज लगाने की आवाज को आवाज का इस्तेमाल करने की ये सब चीजें उन्होंने मुझे इतनी इतनी सिखाई और मैं मैं कुछ बोल ही नहीं सकती मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन जैसे गुरु की छत्रछाया में मुझे रहने का अवसर मिल रहा है और बहुत एकदम उन्होंने सब मेरा जो थॉट्स होते हैं ना म्यूजिकल थॉट्स वो बहुत उनमें बहुत क्लैरिटी अ उन्होंने लाई अरविंद दादान और, और वो खुद तो इतने ब्रिलियंट सॉरी बिल्कुल आ, बिल्कुल आप अपनी बात खत्म करिए वो खुद ब्रिलियंट मतलब जीनियस ही कलाकार है हारमोनियम में मास्टरी है उनकी उनके अलग एक मतलब उनका विचार अलग है बतौर वोकलिस्ट भी उन्होंने पंडित जसराज जी से तालीम ली है और वो गाते हैं मतलब सिखाने के वक्त वो गा के ही सिखाते हैं और बाहर पब्लिकली परफॉर्म नहीं करते लेकिन वो वो बहुत ही बढ़िया गाते हैं तो उनका बहुत बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर ये तो आपके लिए मतलब एक तरीके से डबल फायदा है मतलब एक बेहद गुणी गुरु होने के साथ साथ एक ऐसे कलाकार को सुनने का मौका मिलता है जिनको हम लोग नहीं सुन सकते कभी मंच पर खैर इतने कार्यक्रम किए हैं राधा जी लेकिन आ, कलाकारों के कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो उनको हमेशा नक, याद रहते हैं मैं एक एक बात बोलू मैं और जरूर जरूर जो भी मुझे बहुत एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है अभी अरविंद दादा से मैं बहुत आ, सालों से एसोसिएटेड हूँ एक बात जो मुझे बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं मतलब इतनी अच्छी लगती है कि गुरु शिष्य का जो हमारा रिलेशन है ना उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है ना और इतना खुलापन है मतलब म्यूजिकली मुझे जो भी सवाल मन में आए जो भी अड़चन आए वो मैं उनसे पूछ सकती हूँ उनके साथ शेयर कर सकती हूँ और वो हमेशा हमेशा मेरे पीछे रहे हैं मेरे बहुत विपरीत समय में वो मेरे पीछे रहे हैं एकदम स्ट्रांग बन के कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन उनका आ, मतलब मुझे मालूम है कि वो मेरे पीछे है और उनके एक्शन से बिना बोले ही पता चलता है और कभी भी मुझे ये ऐसा नहीं होता कि बापरे मैं ये अभी मुझे ये म्यूजिकल सवाल है तो मैं कैसे बोलूँ अरविंद दादा से अरविंद दादा से मैं पूछूँ या नहीं पूछूँ ऐसा डर कभी भी नहीं लगा मतलब जो भी मुझे आ, कुछ पूछना था उनको मेरे कुछ सवाल होते थे तो मैं एकदम बेझिझक उनसे पूछ सकती हूँ तो ये जो आ, होता है ना ये एक आ, मतलब बहुत रेयर मेरे ख्याल से रिश्ता है और वो उनका उनका स्वभाव है उनका बड़प्पन है कि वो उन्होंने हमारे सभी शिष्यों के साथ ये इस तरह का नाता रखा हुआ है। बिल्कुल और एक गुरु गुरु अपने शिष्य शिष्य को से आगे निकलकर जब परिवार का हिस्सा मान लेता है तब इस तरह के बहुत सारे अनुभव हमने कलाकारों से सुने हैं जो मैं पूछना चाह रहा था अनुराधा जी की कलाकारों के कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो उनको हमेशा याद रहते हैं आपके ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं क्योंकि कला आप इतने कार्यक्रम आप कर चुकी हैं कि सारे कार्यक्रमों पर बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा लेकिन तो चुनिंदा कार्यक्रम जो आपको लगता है है। कि बिल्कुल अभी कल की ही बात है। जी, मैं जल्दी जल्दी से तीन प्रोग्राम के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ एक जो मेरा जब मैं ट्वेंटी वन साल की थी इक्कीस साल की थी तब मेरा पहला ऐसे फुल लेंथ कॉन्सर्ट हुआ था तो हमारे पूना में एक डॉक्टर पुंडलिक करके थे बुजुर्ग थे वो थोड़े उनको उनके यहाँ पे हर बुधवार को एक बैठक होती थी घर में छोटा सा घर था लेकिन वहाँ पे सब कलाकार आके गा के जाते थे एकदम बहुत कुछ लेन देन का सवाल नहीं था कुछ नहीं था बहुत लेकिन वो उन उनकी गाने की गाने के लिए का कि, क्या प्यार इतना ज़्यादा था इंटेंसिटी इतनी थी और वो जो माहौल बनता था ना उनके घर में बहुत सुंदर तो मेरा पहला कॉन्सर्ट था वो मेरा ऐसे फुल लेंथ पहला ही था और उसके एक दिन पहले ओ, मैं बीमार पड़ गई मतलब डिहाइड्रेट हो गई मैं तो फिर वो मुझे सलाइन वगैरह लगाना पड़ा तो माँ ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है लेकिन वो मतलब सलाइन निकाल के अभी वो आ जाएगी घर पे लेकिन वो कैसे करेंगे कॉन्सर्ट तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके आइए मैं डॉक्टर हूँ कुछ हुआ तो हम लोग देख लेंगे और फिर मैं हॉस्पिटल से घर गई तैयार होके फिर उनके यहाँ पे आके आराम से गा के मैं गई घर पे तो वो एकदम और मतलब उस समय के इससे अच्छा हुआ था गाना उन्हें भी बहुत पसंद आया वो एक थी और एक सवाई गंधर्व में कॉन्सर्ट हुई तब जानोरिकर जी भी आए थे सुनने के लिए और वो इतना उनको उस टाइम मुझे भीमसेन पंडित भीमसेन जी के हाथों दत्तोपंत देश पांडे पुरस्कार भी मिला था उसी साल और गुरु जी भी आए थे सुनने और वो इतना मतलब वो इतने भाव विवश हो गए ना वो गाना होने के बाद जब उनको नमस्कार करने के लिए आई तो वो ऐसे उनके आँखों से आंसू आ रहे थे वो तो एक वो बहुत ही ये था मोमेंट और तीसरी कॉन्सर्ट मैं जयंती समारोह में गई आई थी दिल्ली तो तब तब अरविंद दादा भी आए थे क्योंकि अगले अगले इवनिंग मालिनीता का गाना हुआ था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा गाना था तो हम लोग एक ही जगह पे इंडिया इंटरनेशनल में ही हमारी सब की ये की थी अरेंजमेंट तो मैंने उनको कहा कि अरविंद दादा मैं आगे जाती हूँ आप आराम से आ जाइए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा तो हम लोग सब गए थे तो आ, सब तानपुरे वगैरह ग्रीन रूम में थे तो मैं गई अंदर मैं तानपुरा खोल रही थी और मैंने देखा दूसरा तानपुरा अरविंद दादा खोल रहे वो उनके गवशनी के गवशनी सर उन्होंने कहा आप क्या कर रहे उन्होंने कहा नहीं, नहीं फिर उन्होंने मुझे पूरा तानपुरा उ सब खुद ने लगा दिया ट्यून किया उन्होंने और गाना भी मतलब अच्छा हुआ था और मैं ग्रीन रूम में वापस आ रही थी तब अरविंद दादा बाहर से ऑडियंस से पहले अंदर आए हुए थे वहाँ पे और कितना मतलब कौन कौन गुरु करेगा इतना नहीं पॉसिबल तो ये तीन कॉन्सर्ट्स मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है राधा जी समय निकल गया पता ही नहीं चला लेकिन आ... आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए आपकी गायकी के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच नमस्ते